लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉक्सर में ऐसी फुर्ती नहीं देखी। मैं सोचता हूँ कल हमारी ही जीत होगी। तुम जीत की सोचते हो? अरे मुझे तो डर है कि कल धर्मा के हाथों शेरा शमशान न पहुंच जाए। टैम टैम यस सर। वेरी गुड धर्मा, कीप इट अप। ये सब आपकी मेहरबानी और मदद का नतीजा है सर। धर्मा, कल तुम ये चैंपियनशिप जीतो फिर देखो, हमारी कंपनी दुनिया की हर ऐश इज्जत तुम्हारे कदमों में डाल देगी। वर्ल्ड मिडिल वेट टाइटल के लिए तुम्हें लंदन भेजेगी। इज्जत और शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। धर्मा, कश्मीरा सिल्क मिल्स को तुम पर नाज है। सावित्री, अरे वो सावित्री कहाँ हो भाई? सावित्री, शंकर उठ जाएगा, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे। जरा आहिस्ता बोलो ना। अरे आहिस्ता कैसे बोलूं, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ? कंपनी के डायरेक्टर साहब बोलते हैं कल से दुनिया का हर ऐशो आराम मेरे कदमों में होगा। अच्छा? कंपनी मुझे लंदन भेज रही है, लंदन। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें आज ये दिन दिखा, वरना तीन साल पहले। बस, हर बात के लिए भगवान को क्रेडिट मत दिया करो। अरे आदमी की मेहनत और काबिलियत भी कोई चीज होती है। देखो जी, मैं आज तुम्हारे मुँह से कोई अशुभ बात नहीं सुनूंगी। अरे आदमी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ये शुभ और अशुभ। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है लड़के से गई है। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, ठीक है। तुम तो ऐसे ही बात का बतंगड़ बना देती हो। पापा। अरे बदमाश, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मैं कैसे उठता, मैं तो सोया ही नहीं। क्यों? पापा, स्कूल के सारे बच्चे कहते हैं तुम टाइगर के साथ डिशुम डिशुम करोगे। डिशुम डिशुम करेंगे, तू चलेगा? नहीं पापा, मुझे डिशुम डिशुम से बहुत डर लगता है। क्यों? मेरा शेर बेटा होके तू डिशुम डिशुम से डरता है? याद रख, धर्मा का बेटा शंकर धर्मा भी एक दिन जरूर चैंपियन बनेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी दाएं ओर है पंजाब के टाइगर शेरा और मेरी बाएं ओर है इस साल के उभरते हुए बॉक्सर धर्मा। बॉक्सिंग के नियमों के अनुसार इस मैच का फैसला 15 राउंड में होगा और हर राउंड 3 मिनट का होगा। आप
रहा है उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, वहीं मारो, वहीं मारो शेरा। किस्मत अच्छी है, जख्म उतना गहरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। आप जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर धर्मा ने हमें पहले से बता दिया होता कि फाइट के पिछले रात इनके पेट में दर्द उठा है, तो हम इन्हें कभी लड़ने नहीं देते। और आइंदा इन्हें लड़ने मत दीजिएगा, वरना इनकी जान का खतरा है। अगर अभी अभी आपने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी हाँ, रोजाना की जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर बॉक्सिंग नो। अगर एक भी मुक्का पेट पर पड़ गया, आपकी मौत उसी वक्त हो सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया। ये बात तो तुम्हें शर्मा भी बता सकता था, इसमें मेरा वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। मेरे एक सवाल से आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, और आपके एक हुक्म से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो कुछ नहीं। ऐसा बोलो धर्मा, मैंने तुम्हें काबिल बॉक्सर समझ कर नौकरी दी थी, ये सोचकर नहीं कि तुम एक दिन बॉक्सिंग के काबिल नहीं रहोगे। आपके इस डिसीजन से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, इसका आपको कोई मतलब नहीं। नहीं, कश्मीरा सिल्क मिल व्यापार करती है, उपकार नहीं। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे चैम से कुछ खास बात करनी है। हाँ तो मिस्टर शर्मा, आप चैम को रेडी कीजिए, जब ये बाउट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए तो मुझे इतला कर दीजिए। अरे ओ सावित्री, कहाँ हो भाई? अरे सावित्री, कल तक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि कंपनी तुम्हें लंदन भेजेगी। दुनिया कह रहा है ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन जानती हो आज उन्होंने क्या कहा? धर्मा, हमारे मकसद के लिए तुम अपाहिज हो गए हो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, तुम्हें घर से भी निकाला जाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान भगवान भगवान, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? यही ना कि मुझे रोजगार से बेरोजगार बना दिया, मेरे सुख की जिंदगी में दुख का जहर घोल दिया। नहीं सावित्री, ये हमारा भगवान नहीं है, ये भगवान सिर्फ उन लोगों का है जो हम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान।
उठो। अरे भाई उठो और घर को जाओ। अरे मेरी नौटन कहाँ है? माल खलास, धंधा बंद। धंधा कैसे बंद गया? मुझे नौटांग चाहिए। अरे भाई बोला ना तुमको, धंधा बंद हो गया, माल खलास हो गया, उठो और घर को जाओ। कैसे बात करता है? जानता है किससे बात कर रहा है तू? बेवड़ा से। अबे अब यहाँ क्या मुक्केबाजी दिखाता है? दिखाना था तो उस दिन दिखाता जिस दिन शेर पंजाब ने तेरी धज्जियाँ उड़ा दी थी। अरे रहम तो उस बेचारी पर आता है जो रात दिन मेहनत कर करके तुझ जैसे मर्दूत का पेट पाल रही है, वरना तुझे तुझे तो उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। चलो शंकर। अरे ओ शंकर, ये रोज रोज शराबी की तुम्हें क्या हो जाता है? सोने दो ना बच्चे को। ए तू बाप बेटे के बीच में नहीं आना। शंकर बेटे, शंकर बेटे उठ बेटे, प्रैक्टिस करेंगे बेटे, उठ। नहीं पापा सोने दो मुझे। अरे तू सोएगा तो चैंपियन कैसे बनेगा बेटे? मेरा सपना कैसे पूरा होगा? वो जो ऊपर बैठे हमारे हाल जहाज है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी रगों में भी चैंपियन का खून है? उठ बेटे चल प्रैक्टिस करेंगे। तुझे चैंपियन बनाना है मुझे। उठ बेटे। मामा पापा मुझे क्यों सताते हैं? हर रोज शराब पी के क्यों तंग करते हैं मुझे? दोष तेरे पापा का नहीं बेटे, उस शराब का भी नहीं, दोष उस बॉक्सिंग का है जिसके हार तेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर सके। भाई का राजा बेटा है, प्यारा प्यारा सोनू है, मेरा यार है। चुप हो जा, चुप हो जा। उसे भूख लगी है। देख, मशीन के दराज में कुछ पैसे पड़े, चल उठ ले। तो कुछ भी नहीं है। शंकर, है? ये मुन्ना क्यों रो रहा है? इसे भूख लगी है। सावित्री से दूध क्यों नहीं पिला देती हो? दूध कहाँ से आएगा? माँ 3 दिन से बीमार है, इसलिए कहीं से पैसे नहीं आए। जो थे वो तुमने अपने दारू में उड़ा दिए। लेकिन तुम्हें क्या,
माँ की दवा आए ना आए, सोनू को दूध मिले ना मिले, तुम्हें तो अपना दारू नहीं है बस। बाप से जुबान लड़ाता है तो और क्या करूं? शंकर, तुझे बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर सोनू भूख से रोता है तो रोने दे उसे। मैं सोनू को भूख से नहीं रोने दूंगा माँ, नहीं रोने दूंगा मैं। भैया जी। हाँ जी। एक पाव लीटर दूध देना, मैं पैसे कल दे दूंगा। क्यों बे, बाप की दुकान समझ रखी है क्या? मेरा भाई बहुत भूखा है उसके लिए। चल चल चल, ना जाने कहाँ से चले आते हैं साले। रामू, आधा लीटर दूध दो। बेटा पतंग उड़ाता है। वाह भाई वाह, मान गए, कितना अच्छा पतंग उड़ाता है, कितना अच्छा खींचता है लोगों का। और भाई साहब, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, कितना अच्छा एक्सीडेंट हुआ पिछले साल आपकी माताजी का। अरे बेचारी मरी भी तो कैसे मरी, एक शानदार और बड़ी गाड़ी के नीचे आके मरी। अरे कितनी लंबी गाड़ी थी, 1 लाख की गाड़ी थी। हाँ अरे मेरी माँ को मरे हुए तो 10 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ, फिर मर जाएगी? हैं, फिर मर जाएगी? You shut up, idiot. Nonsense. ये क्या है, इतना बेसुरा गा रही, बाबा किए जा रहे हैं, कोई मतलब है? मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। वो जो गाना गा रही है ना, वो मेरी बीवी है, मिस निशा। आपकी बीवी है तो अच्छा गाएगी, जरूर अच्छा गाएगी। लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती है, अगर किसी उल्लू के पट्टे ने गाना ही खराब लिखा हो कुछ नहीं कर सकती। अरे इसमें तो तानसेन भी बेसुरा हो जाए। हाँ, अब मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये गाना मैंने लिखा है। मैं गुलशन बावरा हूँ, गुलशन बावरा। ओ, क्या है गुलशन जी, आप मेरा मतलब नहीं समझ पाए। अरे मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। पहले तुमने मुझे बाप बना दिया, फिर मेरी माँ को दोबारा मार दिया, फिर मेरी बीवी को बेसुरा कहा, और अब मेरे गाने को भी घटिया कहते हो। अरे साहब चुप रहिए, झगड़ा मत कीजिए। ये चुप क्यों हो जाए? प्लीज सुनीता, गलती इसकी है, इसने इनकी बीवी को बेसरा कहा, इनके लिखे हुए गाने को थर्ड क्लास कहा, बकवास कहा। अगर आप अपने आप को 30 मार्क्स खास समझते हैं तो खुद क्यों नहीं गाते? कम ऑन लेट्स सी। हाँ गाओ, आ जाओ अखाड़े में, बेजू बावरा की औलाद। आइए आइए। Thank you.
हूँ। आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं रजनी हूँ। और मैं रजनी। अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे मेरे पापा से तुम मिल के जाओ। पाप? हाँ ये मेरे पापा हैं। पापा इनसे मिलिए। ये मिस्टर शंकर धर्मा। शंकर। हाँ शंकर धर्मा जी। आपको देखकर जी चाहता है कि आपको फौरन गिरफ्तार कर लो। क्यों? एक चोर है जिसकी तलाश हमें बहुत दिनों से है और आपका हुलिया उससे बहुत मिलता जुलता है। वैसे आप करते क्या है? जी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग? आई मीन मेरा मतलब ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा। सोनू ट्रैवल्स। और सोनू मेरे छोटे भाई का नाम है। आई सी। वैसे आपकी ट्रैवल एजेंसी? पापा आपने फिर पुलिस ऑफिसर की तरह पूछना शुरू कर दी। चलो शंकर हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। पता नहीं ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया। घबराइए नहीं, अब तक वो नहीं आया तब वो आएगा भी नहीं। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं मैं चला जाऊंगा क्योंकि ओबेरॉय होटल में मेरी एक मीटिंग है। मीटिंग है? जी। आई सी। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। और गफर भाई। ओ शंकर क्या बात है आपने बहुत देर कर दी। अरे गनीमत समझो कि मैं आ गया है? लेकिन आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। चलो ना बाबा मुझे तेरी चोरी का भागीदार नहीं बन। मेहनत की कमाई करता हूँ इसीलिए उसकी तरफ देख भी लेता हूँ। तू अपनी तरफ देख, चोरी छुपे भागता रहता है। अरे कभी पकड़ा गया तो सोचा है क्या होगा? क्या होगा? अबम धरती फट जाएगी। बाप शराबी जरूर है लेकिन एकदम ईमानदार। और माँ अगर उस देवी को पता चल गया गड़बड़ है। मुझे लगता है चोरी के बारे में सोनू को थोड़ा बहुत मालूम है। जितनी मेहनत तू धोखा देने के लिए करता है उतनी मेहनत तू कमाने के लिए करे तो किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार कह चुका हूँ मेरे साथ काम करो। पता नहीं अच्छा खासा काम करते करते बीच में क्यों छोड़ दिया। देखो गफर भाई तुम्हारी दिन भर की कमाई 40-50 रुपए अगर उसमें से हिस्सा करें तो दोनों में से किसी का भी गुजारा नहीं चलेगा। इसका मतलब है तुम चोरी करो। देखो शंकर जीने के लिए ज्यादा आसान तरीके ढूंढना ठीक नहीं है। गफर भाई जिस दिन जीना शुरू करूंगा उस दिन सोचूंगा। फिलहाल खुदा हाफिज। सो जाओ। मैं यहाँ हूँ बेटे। माँ तुम अभी तक सोई नहीं? अगर मैं सो जाती तो हर रात ये सवाल तू किससे करता? माँ क्या हुआ? मैं घर से निकल ही रहा था तो ऐन वक्त पर रईस की किम्पाला आ गई। बॉस ने कहा ए अभी अभी ठीक करके जाओ। ये सलाह रईस लोगों का काम ऑलवेज अर्जेंट ही होता है लेकिन भला आदमी है बॉस। मेरा काम अच्छा लगा फटाक करके 300 रुपए निकाल के दे दी। बस यही एक तसल्ली है बेटा कि तू ठीक काम पे लग गया। लेकिन तू हर रात जब देर से लौटता है ना तो मेरा दिल डूबने लगता है। क्यों? सोचती हूँ तू कहीं गलत सोबत में तो नहीं पड़ गया। अरे अम्मा सोबत से कुछ नहीं होता इंसान का वो चरित्र 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 मजबूत होना चाहिए। तू सो जा मैं खाना खा लूँ। अच्छा बेटी। ये घूर घूर के तू क्या देख रहा है? देख यार ये कहानी माँ के लिए ठीक है लेकिन मुझे उसमें कुछ दम नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कहानी में तेरा चरित्र एकदम चालू है। चल जाके सो जा नहीं तो एक झापड़ मारूंगा 5 उंगलियों के निशान तेरे गाल पे छप जाएंगे। बस जरा सी यार वाली बात करो तो बड़ा भाई बन जाता है। सुन महाराज मुझे माफ कर दीजिए। सोनू
अरे बाबा यार, मुझे माफ कर दे। पिछली चार माफी का हिसाब चुका है, नहीं अभी पांचवी मांग रहा है। देख, पांचवा माफी का हिसाब मैं एक साथ चुकता कर दूंगा। ओके, कल संडे अपनी पांचवा माफी का हिसाब चुका देना। कर दूंगा, जाके सो जा, भी खाना तो खाने दे। संडे मैं जाता हूँ। अबे इधर उधर चीते की तरह क्या घूम रहे, एक जगह बैठ क्यों नहीं जाता? अरे देखो ना सोनू के बच्चे को, एक घंटे से संडास में बैठकर गाना गा रहा है और मेरे पेट में तोप के गोले उछल रहे हैं। अरे निकल ना दोनों। अरे ओ दोनों, मेरा ग्लास कहाँ है? अभी आया पापा। क्या है? मैंने सोनू को बुलाया था, तुम्हें नहीं। जानते नहीं सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। दिन तो मैं भी अपना खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये कौन सा ढंग है? जब तक उस बच्चे से शराब मंगाते रहते हो, क्या असर पड़ेगा उस पर? अगर सुबह सुबह तुम्हें शराब पीनी है तो खुद को नहीं तकलीफ उठाते? क्या हुआ? इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझसे सवाल पूछने की? तुमने इसे बताया नहीं? सूरत तो सूरत, मुझे इसकी आवाज से भी नफरत है। तू भी इनसे कह दे माँ, मुझे भी इनकी आवाज से कोई प्यार नहीं है। शंकर, अपने बाप से बात करने का ये कौन सा ढंग? माना कि तेरी कमाई से ये घर चलता है, इसका मतलब ये नहीं बाप से जुबान लड़ाओ, चल जाए यहाँ से। तुम भी चुप रहा करो जी, क्यों जवान बेटी के मुंह लगते हो? क्यों जाता है उनके कमरे जब तुझे अपने बाप का स्वभाव मालूम है? क्यों बहस करता है उनके साथ? बाप है ना, इसलिए। क्या सोचता है यार, पापा की बात का क्या बुरा मानना? कब तक बुरा नहीं मानू, जब देखो कूदते रहते हैं, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। हद तो सब चीज की होती है, जो पापा के साथ हुआ भी तो हद थी। तू तो जानता है जो मेरे पापा के साथ हुआ था। तेरे पापा? अबे तेरे से पहले वो मेरे पापा थे, जमीन से पूरी तरह निकला नहीं और बड़ी बड़ी बात करता है। जब तू तो छोटी बात समझता नहीं तो बड़ी बात करनी पड़ती है। देख यार, दिमाग मत चाट क्या। अब बोल, पांचों माफी का हिसाब कहाँ चुका? पहले यार किसी अच्छे होटल में चलते हैं। आप यहाँ? एक सहेली को टाइम दिया था, पता नहीं वो आई क्यों नहीं। ये मेरा भाप। आपका छोटा भाई सोनू। आपने कैसे पहचाना? कल आप ही ने तो बताया था कि सोनू ट्रैवल्स आपके छोटे भाई के नाम पर है। वो क्या है कि एक्सक्यूज मी, ड्राइवर का क्या चक्कर है? ये चक्कर चलाने का चक्कर है, तू जरा संभाल लेना। क्या है कि भाव डालने के लिए मैंने कल 2000 किलो झूठ बोल दिया। आजकल झूठ का भाव बहुत बढ़ गया। क्या मतलब? एक झूठ की कीमत 1 रुपया। तुझे मैं बाद में समझ लूंगा। धमकी नहीं, वरना भाव 2 रुपया। आप थोड़ा तो कानाफूसी में बिजी हो गए हैं, मैं चलती हूँ। रजनी जी, क्या कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, थैंक यू। और ये चाहता कि आप भी हमारे साथ आए। दो मैं प्लीज, आप आइए ना हमारे साथ, मैं सब कोई पैसे नहीं लूंगा। तीन क्या? चलिए ना। सुनो, ये तुम क्या गिन रहे हो? ये इसको गिनने की बीमारी है। 31। हाँ। बड़ी मजेदार बीमारी है। हाँ, इसी वजह से घर में सब परेशान है। 32 मतलब हम लोग चाहते हैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। 33 पर आपको फुर्सत मिले तब ना।
कल रात भी घर 2 बजे लौटे। सोनू मैं... मुझे कहने दीजिए, माँ बहुत बिगड़ी, कहने लगी शंकर ये हजारों लाखों रुपए तो किसने कमाता है, अपने शरीर का भी तो ख्याल रखा कर। और पापा वो तो भैया को इतना प्यार करते हैं कि पूछो मत। कहते हैं कि शंकर जैसे 10-5 और हो जाए तो देश में दूध दही की नदियां फिर से बहने लगे। 40 40 शंकर तुम्हें क्या सचमुच वक्त नहीं मिलता शादी करने के लिए भी नहीं? माँ कहते कहते थक गई कि बिना भाव के घर सूना लगता है, पर भैया कहते हैं जब तक जान सी लड़की नहीं मिलेगी, मतलब आप जैसी, शादी नहीं करेंगे। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। एक बात कहूँ क्या? अब भैया मना नहीं करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। आप बहुत देर हो गई। बाय बाय सोनू। बाय बाय। रजनी सारा दिन कहाँ थी बेटी? मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि आज सारा दिन सुनीता के साथ सनसन में बिताऊंगी। लेकिन बेटी सुनीता तो 2 घंटे से तुम्हारे कमरे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये वो सुनीता नहीं है, वो मेरी दूसरी सहेली है, सुनीता भार्गव। सुनीता भार्गव? लेकिन मैं तो उससे कभी नहीं मिली। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। कमाल की है ये सुनीता भार्गव, एक बार जो उसे मिल लेता है फिर कभी नहीं भूल पाता। मम्मी डेफिनेटली मिलवाऊंगी। हाँ बुलाते नहीं। बाबा, बुलाती हूँ। तू रो मत।
मारोगे? इसे तो मुझे बुलाने आए हो ना? लेकिन एक आप कितना दिन है? अरे चुप हो जा, ठहर जा। अरे क्या ना चाहते क्यों नहीं? चलो। मेरे प्यारे मामा पापा, आज आपकी ये बेटी पूरे 21 वर्ष की हो जाएगी। मामा, जिस सुनीता भार्गव के छोटे भाई सोनू से आप मिली थी, वो कोई सुनीता भार्गव नहीं, बल्कि शंकर धर्मा है। मतलब तो आप समझ गई होंगी, मैंने आज उसे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है।
मुझे उम्मीद है वो आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि मुझे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या, आजाद पंछी को कैद करके मेरे जन्मदिन का तोहफा बना दिया? पंछी आजाद कहाँ होता है, जिंदगी की कैद में हमेशा गिरफ्त रहता है। रश्मि आ गए तुम, मुझे लग रहा था कि आज भी देर करोगे। तुम्हारे वक्त का कोई हिसाब तो है नहीं। अगर आदमी अपने वक्त का हिसाब रखता तो औरत महान कैसे कहलाती। लीजिए, आप अपने वक्त का हिसाब रखिए। थैंक यू, जन्मदिन मुबारक हो। इतना कीमती तोहफा। हेलो शंकर। शंकर इनसे मिलिए, ये मेरी मम्मी है, मम्मी शंकर धर्मा। जीते रहो बेटे। आ शंकर, हमारी रजनी की पसंद इतनी अच्छी है ये मुझे आज ही पता चला। क्यों भाई, मेरी पसंद की दाद नहीं दोगे? क्यों भाई, क्या हो रहा है मेरे इंस्पेक्टर यार, सब ठीक है ना? आओ सक्सेना आओ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई साहब। बेटी रजनी कहाँ है, मुझे उसे मुबारक दे दिए। भाई आज तो तुम्हें दो दो मुबारकबाद देनी होगी। वो क्यों? एक तो उसके जन्मदिन की और दूसरी जीवन साथी चुनने की। ओ ये बात है। हाँ, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा वो देखो, वो रहा मेरा होने वाला दामाद। मैंने कहा था ना कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रजनी जी। पापा, शंकर ने जो घड़ी दी है जरा दिखाना। यही वो घड़ी जो शंकर ने चोरी की थी? ऑफ कोर्स, यही वो घड़ी है। पापा ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, तुम्हारा शंकर एक रईस बिजनेसमैन नहीं बल्कि चोर है। नहीं पापा, ये झूठ है। ये सच है। शंकर, कितनी बदनसीब है कि मेरी असलियत का राज तुम पर इस तरह खुला, और मैं कितना खुशनसीब हूं मेरे झूठ और फरेब के इस जाल को हटाने के लिए मुझे कोई दर्दनाक कोशिश नहीं करनी पड़ी। सोचो मैं जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं किस तरह कह पाता। चलो शंकर। ये क्या, बेटा जेल में है और तुम हंस रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं। वो बेटा जिसकी तारीफ करते करते तुम थकी नहीं, आज जेल में है। कहां गया तुम्हारा भगवान जिसे तुम इस बात की दुहाई देती रही कि तुम्हें उसने एक ऐसा कमाऊ पुत्र बख्शा है? कहां गया तुम्हारा भगवान जिसकी तुम दिन रात पूजा करती हो ताकि वो हमें एक अच्छा दिन दिखाएगा? यही वो दिन, यही है सावित्री। तुम्हारे भगवान की इस बख्शिश ने आज दुनिया के सामने मेरी गर्दन झुका दी है। वाह, तो हर बात के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा, पर तुमने अपनी जिम्मेदारियों के साथ क्या सुलूक किया? तुम एक फाइट क्या हारे, सारी जिंदगी से हार मान बैठे, हमेशा शंकर पे उंगली उठा, पर यह भी कभी सोचा कि तुमने शंकर को क्या दिया? वो प्यार, वो प्यार जिसे पाकर
नफरत भी अपने होशो हवास को बैठी। हाँ, मैं आज भी भगवान को लाख लाख दुआई दूं कि तुम्हारे जैसा बाप होने के बावजूद मेरा बेटा, मेरा शक्कर सिर्फ चोर है, सिर्फ चोर। मत पढ़ो, ये जो अट्टा कट्टा देख रहे हो ना सांगा, इस पर 7 कत्ल का इल्जाम है। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा हरामी? तुमने मेरा खाना खराब कर दिया। मैंने अच्छे अच्छों का खाना खराब कर दिया। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ। ये ले। पेट भर गया? नहीं।
तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। यहां कैसे आए? दान पुण्य करके यहां कोई आता नहीं, जाहिर है कोई जुर्म क्या होगा। सजा कितनी? 6 महीने। देखो मैं यहां से जल्दी ही छूट जाऊंगा। ये रहा मेरा नाम और पता। बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। एक मामूली चोर पे मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूं? इस मुक्के की ताकत जो जमीन पर पड़े और आसमान टूट जाए। आज तो ये सूट पहन लो ना। सूट पहन लो, क्या बात है भाई। तुमने जवाब नहीं दिया। आज शंकर जेल से वापस आ रहा है। तो आज साहबजादे तशरीफ लाने वाले हैं और उनकी माँ चाहती हैं कि मैं ये सूट पहनकर उनका स्वागत करूं। तुमने हद कर दी सावित्री, जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। तुम उसी की आरती उतारना चाहती हो। कौन माँ होगी जो अपने बेटे की आरती उतारना नहीं चाहेगी? मैं उतने खुश नसीब ना से, लेकिन माँ तो हूँ। और नहीं जाऊं, जा रहे आ गया चोर। चलो भाई चलो। करीम भाई सलाम। ये सब तेरे लिए बेटा। शास्त्रों में लिखा है, सुबह का भूला बेटा जब शाम को घर लौटे तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं मां, शास्त्र में गलत लिखा है। एक गुनहगार सजा बर्दाश्त कर लेता है लेकिन सम्मान नहीं। तू मुझ पर चीख बोल के मैं चोर हूं, मक्कार हूं, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा प्यार से मत दे मां, प्यार से मत दे। अगर तुझे मेरा प्यार सजा लग रहा है तो समझ ले मां ने बेटे की राह पकड़कर एक छोटी सी चोरी की है। चोरी? और तुमने? क्यों नहीं, अगर तेरा ईमान तुझे चोरी करने की इजाजत दे सकता है तो कहीं ना कहीं उस ईमान की भागीदार मैं भी तू। तू खाना खा ले और उसके बाद इस चुराई हुई जहर की शीशे से एक घूंट मुझे अपने हाथों से पिला दे। मां जी हम वरना ये कैसे कि आज तक मेरी आत्मा की चीख तुझ तक न पहुंची। पहले जब मैं गुजरती थी लोग हंसते थे और कहते थे शराबी की बीवी गुजर रही, लेकिन अब कहेंगे चोर की मां जा रही है और मेरी कोख की बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी।
इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ बेटे, मुझे जेल दे, मुझे जेल दे। बस मुझसे और सुना नहीं जाएगा, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ, तेरा बेटा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। आज मेरा बेटा सचमुच घर लौटा। सुनीता तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? जिंदगी के उदास रास्तों में खुशी का समंदर दिखाने। मतलब? अभी बताती हूँ, तू यहीं रह। थैंक यू सुनीता। रजनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन आज मेरी बात सुन लो, उसके बाद चाहे जिंदगी भर मुझसे मत मिलना। यह हकीकत है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया है, पर सच सिर्फ यह रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे नाम का दिया जल रहा है तो उसे पूछने मत देना रजनी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ 3 महीने की मोहलत मांगता हूं और उसके बाद वादा करता हूं कि तुम्हें मेरे साथ रहकर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। आज से ठीक 3 महीने के बाद शाम के 6 बजे इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना ही तो समझ लूंगा शंकर तुम्हें कबूल नहीं। तुम मुझे कभी कबूल नहीं होगे। I hate you. अरे डेड फुट। हाँ उस्ताद, हो गया काम? कर रहा हूँ उस्ताद। नमस्ते गफर भाई। नमस्ते। जीते रहो बेटे। क्या हाल है भाई? मैं तो समझा तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए। भूले हुए रास्ते पर चल रहा था गफर भाई, इसलिए तो चाहने वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। मुझे डर था कहीं तुम भी अपना। अरे कैसी बात कर रहा है दोस्त, चाहने वाले कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते। वैसे मुझे बहुत खुशी है शंकर, तुमने अपनी भूल का एहसास तो किया। हाँ गफर भाई, वक्त के तमाचे ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो फिर देर किस बात की है, कर दे मेरे साथ काम शुरू। गफर भाई, तुम्हारे इस गरज की कमाई से हम दोनों का गुजराना मुश्किल है। अरे यार तू पहले काम तो शुरू कर, आहिस्ता आहिस्ता कमाई भी बढ़ जाएगी। हाँ अगर कहीं से 40-50 हजार का बंदोबस्त हो जाए तो ये गराज A1 बन सकता है। 50 हजार? लेकिन 50 बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें बड़ी रकम की जरूरत हो तो मुझसे मिलना। मुझे मालूम था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। टोनी साहब, आपने मुझे जेल में कहा था अगर कभी मुझे बड़ी रकम की जरूरत पड़े तो आपको आगे मिलूं। मुझे याद है,
और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ अगर बदले में तुम मेरी मदद करो तो। बताइए, चलो मेरे साथ। इस आदमी को पहचानते हो? इसे कौन नहीं जानता, इसे तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये रघुराज है, बॉक्सिंग का चैंपियन। राइट सन, चैंपियन रघुराज। लेकिन जानते हो इसे चैंपियन किसने बनाया? मैंने, टोनी ब्रगांजा ने। मैंने इसे फुटपाथ से उठाकर कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। और जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? धोखा। मेरे एहसानों के बदले उसने मुझे जेल पहुंचा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है यार। आज तो रघु ने कमाल कर दिया। क्या फाइट लड़ी है? अरे छोड़ यार, कमाल तो टोनी का है, जिसने रघु को ट्रेन किया है, उसे बॉक्सर बनाया है। हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है। इस साले टोनी का दिमाग खराब हो गया। वो सबको यही कहता रहता है कि असली स्टार वो है और तुम सिर्फ उसकी परछाई हो। हाय, हाय टोनी। हाय चैंप, हाउ आर यू? रघु, वो कल के चैरिटी मैच का तुम्हें याद है ना? ये उसका अग्रीमेंट है यार, जरा तुम दस्तखत कर दो। भाई चैरिटी जैसे नेक काम में मेरे दस्तखत की क्या जरूरत है? तुमने हाँ कर दिया ना, तो मैं ठीक वक्त पर स्टेडियम पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड बॉय, गुड बॉय, सी यू। रघु, यहाँ पब्लिक बेकाबू हो रही है, तुम कब आओगे? मैं नहीं आऊंगा टोनी। मैं चैरिटी में विश्वास नहीं करता। रघु, तुमने हाँ कर दी थी। हाँ कर दी थी, लेकिन दस्तखत नहीं किए थे। रघु, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मुझे 420 के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टोनी। कुछ भी नहीं। और तब से मैं दिन रात जेल में इसी ख्याल में चलता रहा कि रघुराज के एहसान फरामोशी का हिसाब किस तरह बराबर करूं। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे जरिए रघुराज के गुरूर को मिट्टी में मिला देना चाहता हूं। मैं? मुझे तो बॉक्सिंग की एबीसी तक नहीं आती, पर आप चाहते कि मैं रघुराज से लड़ूं। शंकर, मैं तुम्हें रघुराज से फौरन लड़ने के लिए नहीं कह रहा। मैं तुम्हें बकायदा ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हें बॉक्सिंग का हर दाव पेच सिखा दूंगा, तुम्हें इस कला का माहिर बना दूंगा। शंकर, तुम नहीं जानते, मैंने हजारों बॉक्सर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा फौलादी ताकतवर मुक्का आज तक किसी का नहीं देखा। शंकर, ये मेरा यकीन है, नहीं मेरा दावा है। रघुराज को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। टोनी साहब, मैं और मेरे अजीज गफार भाई मिलकर एक गैरेज बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन आपने ऐसी शर्त रख दी जो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। शंकर, तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए? वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं अभी इसी वक्त। सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। जिस दिन तुम रघुराज से लड़ोगे वो गैरेज में तुम्हें वापस लौटा दूंगा। रही हार जीत की बात, फैसला कुछ भी हो, वो 50,000 तुम्हारे हैं। Thank you.
ये तो क्या कर रहा है? जिंदगी जीने का सहारा ढूंढ रहा हूं। जिन्होंने हमारी जिंदगी के सुख चैन छीन लिए तो उन्हें सहारा मान रहा है? शायद हमारी किस्मत में खुशी और गम का दरवाजा ही एक है। फजूल बात मत कर, तू बॉक्सिंग नहीं करेगा। करने दे मां, मैं हर भी गाना तभी जीने का सहारा तो मिल जाएगा। यही तो तू नहीं जानता बेटे, आदमी जीत बर्दाश्त कर लेता है, हार नहीं। हार की मैं एक जिंदगी भुगत चुकी हूं। मां, मेरा यार कभी नहीं हरेगा, और क्या पता यार के बॉक्सर बनने की खुशी में पापा तारुपी ने भी छोड़ दे। मां, तू पापा को खुश नहीं देखना चाहती? और ये रहे वादे के मुताबिक 50,000 रुपए। थैंक यू टोनी साहब, आप जब कहेंगे मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा। गुड, लेकिन आप ये याद रखिए, एक बार रघुरा से लड़ने के बाद मैं दोबारा कभी रिंग में कदम नहीं रखूंगा। बॉक्सर से फाइट? रूसी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अरे हजारों बॉक्सर मारे मारे घूम रहे हैं कि वो चैंपियन रघुराज से लड़े। वो सब जानते हैं कि मुझसे लड़ने के बाद हार कर भी वो मशहूर हो जाएंगे, पर फिलहाल मैं किसी को मशहूर करने के मूड में नहीं हूं। रघु, जिसने तुम्हें ऑफर दिया है उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ असली टैलेंट को ही बढ़ावा देता है। टोनी, टोनी ब्रिगेंजा। हाँ, टोनी ब्रिगेंजा, जिसकी वजह से आज तुम चैंपियन हो। क्यों, जेल की हवा खाकर भी तुम्हारी उम्मीदों ने दम नहीं तोड़ा? मेरी उम्मीदें कभी दम नहीं तोड़ेंगी रघु, वो तब पूरी होंगी जब मेरी बख्शी हुई तुम्हारी ये शोहरत मैं खाक में मिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ टोनी, मेरे ही घर में आकर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये धमकी नहीं, वादा है, और तुम जानते हो कि टोनी ब्रिगेंजा अपना वादा हमेशा निभाता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं किसी भी ऐरे गैरे के साथ लड़ूंगा तो तुम जा सकते हो। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखो एक दिन तुम खुद उस ऐरे गैरे के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ोगे, और तब अपनी बुलंदियों से ऐसे गिरोगे कि ढूंढने वालों को तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। Get out. Get out. Sure. Bye. मैं देखता हूं शंकर में कितना दम है। Thank you.
मालूम था कि शंकर की ताकत आजमाने के लिए तुम जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी तरह घटिया होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ताकत आजमाने के लिए तुम भाड़े के टट्टू भेजोगे। रघु, मुझे तुम पर तरस आता है, तरस। शंकर था हुई नेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नेवी चैंपियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू होने में अब कुछ देर बाकी है। इसे देखने के लिए लोग यहां हजारों की तादाद में मौजूद हैं। ये लीजिए, शंकर अपने प्रमोटर टोनी ब्रगेंजा के साथ रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मुकाबला है चैंपियन रघुराज के साथ, जो पिछले 5 साल से लगातार चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं। ये वो देखिए चले आ रहे हैं चैंपियन रघुराज। 15 राउंड्स के इस मुकाबले में हर राउंड 3 मिनट का होगा और हर राउंड के बाद 1 मिनट का होगा रेस्ट पीरियड। स्ट्रेट नॉकआउट न होने पर हार जीत का फैसला पॉइंट्स के बिना पर होगा। मिस्टर रघुराज, फाइट में कोई फाउल नहीं होना चाहिए। अपने अपने ग्लव्स दिखाइए। गो फॉर हिम बॉय, गो फॉर हिम। याद रखो, कोने में नहीं जाना। God bless you, son. तो बहन और भाइयों, लीजिए शुरू होता है पहला राउंड। Come on!
सॉन्ग में शंकर ने अपने फन का जो नमूना पेश किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस राउंड में उन्होंने न सिर्फ रघु के बराबर पॉइंट्स लिए बल्कि बॉक्सिंग की जिस टेक्निकल सूझबूझ का परिचय दिया है उन्होंने वो सिर्फ अनुभवी और माहिर बॉक्सर में ही देखने को मिलती है। शंकर ने रघुराज का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अनुभवी मुक्केबाज होने के नाते रघु ने ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं लेकिन शंकर धर्मा जिस हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं उसने यहां सभी देखने वालों को हैरत में डाल दिया है। कुछ स्ट्रेट पंचेस शंकर की बाई आंख पर लगे जिनकी वजह से शंकर कुछ लड़खड़ा गए। शायद ठीक तरह से देख न पाने की वजह से शंकर के वार निशाने पर नहीं बैठे। इस तरह से बहनों भाइयों रघु इस राउंड में शंकर पर हावी रहे और पॉइंट्स में शंकर से आगे निकल गए हैं।
ये वक्त की ज्यादती है कि सिर्फ पॉइंट ज्यादा होने की वजह से रघुराज लगातार छठवीं बार ये चैंपियनशिप जीत गए हैं। मैं इसे शंकर धर्मा की बदकिस्मती कहूंगा कि वो मुकाबला जीतते जीतते हार गए। शंकर, फाइट में चोट लगने की वजह से तुम्हारी बाएं आंख की ऑप्टिकल नर्व पर जख्म हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात है। क्या डॉक्टर? शंकर, अगर इसी जगह पर दोबारा चोट पहुंचे तुम शायद अंधे हो सकते हो, ब्रेन डैमेज हो सकता है, यहां तक कि तुम्हारी मौत। शंकर, अपना ख्याल रखना। सुना तुमने? घबराने की कोई बात नहीं, जब मुझे खुद बॉक्सिंग का कोई शौक नहीं तो यहां कैसे चोट लग सकती है। अरे एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना। मैं तब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बॉक्सिंग नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रख के कहो। तुम्हारे प्यार की मैं समझ ली, ये हाथ कभी लड़ने के लिए नहीं उठेंगे। लेकिन तुम दोनों को भी एक कसम लेनी होगी। क्या? डॉक्टर की ये बात माँ और पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वही पापा के साथ हुआ था। वो दोनों वो सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये दूसरा सदमा ना जाने क्या करते हैं। शंकर, शंकर कैसे हो बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मामूली चोट है, कल सुबह तक घर आ जाएंगे। What a lovely fight, my boy. Lovely fight. Thank you. Cheers. वाह, वाह, मुबारक हो। Congratulations, जीत मुबारक हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह हो, ये चोट ज्यादा तो नहीं लगी? तुम यहाँ क्यों आए हो? वेरी गुड क्वेश्चन। वो बात क्या है कि दुनिया ने मजबूर कर दिया। जीत तो तुम गए रहो लेकिन पेपरों में शंकर की तारीफ ज्यादा है। तुमने जरूर पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लो। टोनी, अगर तुम यहां एक मिनट भी और रहे तो मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। नक्शा तुम क्या बदलोगे? नक्शा तो मैंने तुम्हारा बदल दिया। एक दिन मैंने तुम्हें बनाया था, आज मैंने तुम्हें मिटा दिया। कल तक लोग रघु की बातें किया करते थे, आज वो शंकर धर्मा की बातें करते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया। रघु, तुम जीत कर भी हार गए। आज पहन लिया बेटे। और बेटे, आज तक ये बोतल मेरी हार की निशानी थी, लेकिन अब
ये तेरी जीत की निशानी है बेटे। पापा। हाँ बेटे, आज तुमने दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि तेरी रगों में भी चैंपियन का खून है। हाँ। अब तुम सब देखना, मेरा शंकर जिन बुलंदियों को छुएगा, आज तक हिंदुस्तान का कोई बॉक्सर वहां नहीं पहुंचा। यार, तू रो क्यों रहा है? होश संभालने के बाद आज पहली बार पापा के चेहरे पर खुशी देखी, प्यार देखा। प्यार तो मैं बर्दाश्त कर देता यार, लेकिन खुशी, उनकी यह खुशी उस उम्मीद को लेकर है जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। यार, क्या खुशी भी बाप बेटे के बीच दुख की दीवार बन सकती है? खटाव साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। आप शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मगर मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिलहाल वो अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में मोटर गैराज चला रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी बेटी शायद ऐशो आराम की जिंदगी न गुजार सके, मगर इज्जत की जिंदगी जरूर गुजारेगी। अब आप घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं धर्मा साहब? नहीं खटाव साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा बेटा वही शंकर है जिसे घड़ी चुराने के जुर्म में आपने एक बार जेल भेजा था। आज दुनिया शंकर को चोर नहीं बल्कि बॉक्सर के रूप में जानती है, फिर भी आपने उसकी बीती हुई जिंदगी की असलियत बताकर अपनी शराफत का सबूत दिया है। मैं कह सकता हूं कि हालात ने शंकर को गुमराह कर दिया होगा, शंकर खुद गुमराह नहीं है। तो मैं आपकी इस बात का क्या मतलब समझूं?
देर हो जाएगी। मैं नहीं उठूंगा, नहाऊंगा भी नहीं, कपड़े भी नहीं बदलूंगा, नाश्ता भी नहीं करूंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अरे रे रे रे। मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अच्छा वो क्या? वो ये, इस शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे देवर जी बनाओगी। हाँ, और मैंने वादा पूरा कर दिया। तुम अब भी मुझे सोनू बुलाती हो, देवर जी क्यों नहीं? देवर जी पुराने जमाने की औरतें कहा करती थी, अब कोई भाभी अपने देवर को देवर जी कहकर नहीं बुलाती। चलो मैं पुराने जमाने का ही सही, लेकिन तुम मुझे देवर जी कहके बुलाओ, या तो कट्टी भुकाता बंबई बंद। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। उठो देवर जी। उठो ना बाबा। रजनी, वाकई तुम यार को कितना प्यार करती हो। वो तो है ही ऐसा, उसके हर बात पे प्यार आता है। आखिर भाई किसका है? गुड इवनिंग, स्कॉच एंड वाटर प्लीज। Thank you. आजकल मैं जहां भी जाता हूं तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर वहां क्यों चले आते? तुम मुझे गलत समझ रहे हो चैंप। ये महज इत्तेफाक है कि हम अक्सर टकरा जाते हैं चैंप। ये हर बात पर चैंप चैंप क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, चैंपियन को चैंप कहना गलत बात है क्या? याद है ना, फाइट तो तुम ही जीते थे। हाँ मुझे याद है, और तुम भी याद रखो, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूँ और चैंपियन रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अखबार, टेलीविजन, रेडियो, बॉक्सिंग के बड़े बड़े पंडित यही कह रहे हैं। टोनी, बॉक्सिंग अभी खत्म नहीं हुई है, अगली चैंपियनशिप फाइट में मैं तुम्हारे उस लौंडे की ऐसी मरम्मत करूंगा कि देखने वाले दुहाई मांगेंगे, और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि चैंपियन कौन है, और तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। मेरी गर्दन कभी नहीं झुकेगी। बॉक्सिंग के इतिहास में जो धब्बा मैंने तुम्हारे नाम पर लगा दिया ना, वो कभी नहीं मिटा पाओगे। रघु, तुम शंकर से कभी नहीं लड़ सकोगे, क्योंकि शंकर ने मुझसे वादा लिया था कि वो सिर्फ एक बार लड़ेगा। वो लड़ेगा और तुम उसे राजी करोगे, पर याद रखो, जब तक वो नहीं मानेगा मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहूंगा। रघुराज से उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा टोनी, बहुत भारी पड़ेगा। Go ahead.
चैंप। मुझको रघु कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ चैंप हूं। हेलो चैंप। हाँ, और एक और बात याद रखना, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूं और चैंपियन रहूंगा। मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें क्यों शक हो गया कि तुम चैंपियन नहीं हो या नहीं रहोगे? मुझे ऐसा कोई शक नहीं, लेकिन अगर तुम अपने आप को तोप समझने लगे हो तो आ जाओ रिंग में, हो जाए एक और मुकाबला। चलो रजनी। चलो, जाने से पहले मेरी तरफ से ये क्रिसमस ग्रीटिंग्स तो लेते जाओ। मुझे तो तेरी बीवी पर तरस आता है कि तुझ जैसा नामर्द इसे मर्दानगी का क्या सबूत देता होगा। बैक, मुझे किसी भी हालत में शंकर रिंग में चल। सिर्फ इतना बता दो कौन थे वो लोग। तुम्हें मेरी कसम, कुरान शरीफ की कसम गफर भाई, बोल। कसम दी है इन हाथों से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों के लिए मेरे पैर ही काफी है। से मारोगे तुम? चलो। चलो।
शंकर, ये चोट कैसे लगी? मैं गिर गया था। क्या? इधर देखो, तुम समझते हो कि मैं एक बॉक्सर की बीवी होकर इतना भी नहीं पहचान सकती कि ये चोट गिरने की नहीं लड़ने की निशानी है? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मेरी कसम तोड़कर आ रहे हो, लड़कर आ रहे हो? हाँ, मैं लड़के आ रहा हूँ। जानती हो, उन कसाईयों ने जो मेरे गैरेज की हालत बनाई, जो गफर भाई की हालत बनाई, अरे उसे देखकर मैं तो क्या एक मुर्दा भी जिंदा हो जाता रजनी। लेकिन तुम्हारी कसम रजनी, मैंने तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ी नहीं। मैं लड़ा जरूर हूं, लेकिन इन हाथों से नहीं, अपने पैरों से। तुमने हद कर दी शंकर। मैंने तुमसे ना लड़ने की कसम मांगी और तुमने उसे शब्दों का खेल बना दिया। कराज फिर बन सकता है, कफर भाई का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें चोट दाएं आंख की बजाय बाएं आंख पर लगती तो जवाब दो मुझे, क्या कर लेती मैं? सामने मजबूरी सवाल बनकर खड़ी हो जाए तो क्या जवाब दे सकते रजनी? शंकर, अगर तुम्हें मेरे सुहाग की चुड़िया तोड़ने का इतना ही शौक है तो लो, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मार डालो मुझे, मार डालो। तेरी कसम रजनी, आज के बाद मैं कभी नहीं लड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए रजनी। शंकर, देखो शंकर, जब तक तुम मेरे पैसे लौटाओगे नहीं, तुम्हारा ये गैरेज मेरे पास गिरवी रहेगा। बहुत रोटियां हो गई रजनी, अब तू भी आके बैठ जा। अभी आई माँ? जब से बहू आई है मैं तो आराम कर करके थक गई, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। बहू क्या लक्ष्मी है लक्ष्मी, बस बस बेटी। मेरे मन में भी यही था, अगर बहू आए तो चांस। शंकर ने मेरी ये भी मुराद पूरी करी। मुराद पूरी करने में मेरा भी हाथ है, है ना भाभी? सुन बेटे, तू तो सबकी मुरादें पूरी करवाता है, मेरी भी एक मुराद पूरी करवा देना। कौन सी? इनकी तो जब से शंकर पैदा हुआ एक ही मुराद है, मेरा बेटा चैंपियन हो। क्या हुआ, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से टोनी से मिलकर रघुराज को चुनौती दो और मुकाबले की तैयारी करो। सोच क्या रहा है, जवाब क्यों नहीं देता? मैं बताती हूँ पापा, इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग छोड़ दी है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं बेटा, अब तो नाम और पैसा कमाने का वक्त आया है और तू उसे छोड़ना चाहता है। पापा, मुझे मार धार का ये खतरनाक खेल पसंद नहीं। मैंने इन्हें पहले ही कहा था कि मैं शादी तभी करूंगी जब ये बॉक्सिंग छोड़ देंगे। क्यों नहीं देता? मैं रजनी को वचन दे चुका हूं पापा, वचन। अरे तू राजा हरिश्चंद्र है जो अपना दिया हुआ वचन नहीं ले सकता? उस वचन की कीमत है क्या जिसका ना सर हो ना पैर हो? नहीं पापा, मैं रजनी को दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता। Thank you.
भी नहीं पता था कि मेरा खून इतना कायर और बुजदिल निकलेगा कि वो एक औरत की उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। और बहू तू, मुझे नहीं पता था मेरे घर की लक्ष्मी मेरे अरमानों का दीवाना निकालेगी। सावित्री, इन दोनों से कह दो आज के बाद मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल ना दिखाए। भी बहुत ताकत थी, ले अपने बेटे की कायरता का अंजाम भुगत। भाईया, ये आपको क्या हो गया? ये सब खून? हड्डियां सावित्री, जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। सावित्री, ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जो मेरा जिस्म इस चोरू के गुलाम का बाप होने के गम में बह रहा है। इसे बहने दो, बहने दो। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं, जो मेरा जिस्म इस चोरू के गुलाम का बाप होने के गम में। बाहर खड़ी है, बुला रही। सुन यार, बाबू की तबीयत कुछ खराब लगती है। क्या हो रहा है? सुनो कह रहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर क्यों कह रहा है वो? Thank you.
आप सब लोगों को सुनकर यह खुशी होगी कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग पर चोट का क्या असर हुआ है इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये तो बच्चे को होश में आने के बाद ही पता चलेगा। दिमाग एकदम सुन हो गया है, उसके देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, जब तक वो जिंदा रहेगा शायद बेहोशी के आलम में रहेगा। देखिए अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर है, हाँ वो सोनू का इलाज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई केसेस ठीक किए हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। 2 लाख? शंकर, 15-20 हजार रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, लेकिन 2 लाख मेरी पहुंच के बाहर हैं। शंकर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये घर भी तो सरकारी है। और फिर बेटी, अपनी 20 साल की नौकरी में जो कुछ भी बचा पाया हूं वो यही है। रजनी बेटी, ये मेरे जेवर है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बेटी। माँ, इनसे तो कुछ नहीं होता। आज अगर गराज अपने नाम होता तो उसे बेच के कुछ तो पैसे मिलते। किस क्या कहें, अल्लाह ताला का करम। रोशी, मुझे पता चला है कि शंकर को पैसों की सख्त जरूरत है। फौरन पता करो उसे कितने पैसे चाहिए और किसकी चाहिए। चैम, मैंने मालूम कर लिया है, शंकर का छोटा भाई अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। यार, मुझे माफ कर दे, मैं हार गया हूं यार, मैं हार गया। शंकर, तूने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली, फिर आंसू बहाकर क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कम से कम मैं आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े सुरमा निकले ना, जिसने अपनी हर जिम्मेदारी के आगे घुटने टेक दिए। क्या क्या है तुमने बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी तरह शराब पीकर जिंदगी को गाली नहीं दे सका। ये सच है शंकर, सच है।
मैंने शराब की बोतल को अपनी जिंदगी का कंधा बनाया, लेकिन आज आज ये शराबी एक बाप होने की दुआ मांगता है, बेटे मेरा सोनू मुझे वापस ला दे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे। पापा, मैं मजबूर हूं पापा, मैंने हर सूरत अजमा कर देखी, हर कोई रास्ता बचा नहीं। एक रास्ता है शंकर, एक रास्ता है, इसे हरा कर तू 2,00,000 रुपए जीत सकता है। कल तक मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरी रगों में भी चैंपियन का खून है, लेकिन आज मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहता बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए बेटे। पापा, बेटा, एक दिन उन्होंने इस घर की खुशी अच्छी ली थी, आज इन्हें बैठकर वो खुशियां वापस ला दे, मेरे साथ वापस ला दे। मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता, मैं मजबूर हूं मां, मैं मजबूर हूं। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो, वो कसम जो जिंदगी को मौत के हाथों जलील होने दे, कोई कसम नहीं, मजबूरी कमजोर का आसरा है, तुम्हारा नहीं। जाओ, तुम मुक्त हो, सारी कसमों से आजाद हो, जाओ।
जा रहा हूं। मैं तुझसे सिर्फ ये कहने आया था कि आज के बाद मौत कभी हम जैसे गरीब इंसानों से टक्कर नहीं लेगी। मैं रहूं या ना रहूं, तू जिंदा रहेगा यार, तू जिंदा रहेगा। दोनों जिगर के टुकड़े उसके हाथ में, आज भी अगर उसने वही सुलूक किया जो मेरे सिंदूर के साथ किया था तो उसकी सारी धरती मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। जा बेटे, सोनू सबको जानते हुए भी मैंने तेरे यार को मौत के मुंह में भेज दिया है। तुझे तो मालूम है कि अगर उनकी बाएं आंख पर दोबारा चोट लगी तो उनकी मौत भी हो सकती है। तुम्हें तो बता भला आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। भला आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। आंखों के दोनों चिराग मुझसे छीन लेना चाहता है सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना सर तेरे चरणों में नहीं रखा। क्या चाहता है तू, बोल क्या चाहता है? यही ना कि मैं अपना सर तेरे कदमों में रख दूं। लो झुका दिया मैंने अपना सर तेरे कदमों में। अब तो मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। अब तो मुझसे मेरे औलाद मत छीन। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटों की रक्षा करना।
दोस्तों, आज की इस सनसनी खेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला बस अब शुरू ही होने वाला है कुछ ही देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी इस ओर ब्लू कॉर्नर में है शंकर धर्मा, मेरी इस ओर रेड कॉर्नर में है पिछले 6 सालों से चले आ रहे चैंपियन रघुराज। तुझे खत्म कर दूंगा। लीजिए साहब, वो घड़ी आ गई। याद रखो, पहला राउंड शुरू होने को है। देखे कौन जीतता है, कौन हारता है। आप की बार नहीं छोड़ना। रघु पर अटैक करना शुरू कर दिया है और वो अपनी पिछली हार का रघु को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बॉक्सरों के मुट्ठियों में दो जबरदस्त तूफान धीरे धीरे उठने की तैयारियां कर रहे हैं। जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इस चैंपियनशिप की कसौटी पर किसका विश्वास खरा उतरेगा ये फिलहाल बताना मुश्किल है। देखें आगे आगे क्या होता है। आगे
जैसा कि आपने देखा, और रेफरी के बीच बचाव करने पर रघु झगड़े पर उतर आए। भाई लगता है कि रघु बॉक्सिंग का मुकाबला नहीं बल्कि शंकर के साथ कोई जाती जंग, कोई पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी शंकर की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया है। रघु बखलाए और शंकर की संजीत की इस बात की गवाह है कि मुकाबले में धीरे धीरे शंकर का पल्ला भारी हो रहा है। शंकर को चारों खाने चित कर दिया है। उनकी हालत देखकर लगता है कि उनका स्टेमिना कुछ मेरा ख्याल जवाब दे चुका है और मुकाबले का रुख अचानक रघु की तरफ पलट गया है। देखिए अब अगले राउंड में क्या होता है। ठीक हो ना? देखो अपनी बाई आंख का ख्याल रखना, बाई आंख का ख्याल रखना, समझे? बाई आंख कुछ कमजोर लगती है, जितने भी घूंसे मारो बाई आंख पे मारो, बाई आंख पे, समझे? शंकर तुम ठीक हो ना? Hit him on the left eye। हालांकि अब हर तरह से रघु की जीत निश्चित है और शंकर के चेहरे से मालूम होता है कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे, फिर भी न जाने वो कौन सी ताकत है जो उनकी हिम्मत बांधे हुए है। Go!
अब तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं फाइटर को आ रहा हूं। नहीं, फाइट मत रोकिए, मुझे जीतना है, सोनू के लिए मुझे जीतना है, मुझे। Thank you.
है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानियों शादमानी।